फ्रेंड्स आर कॉलम मॉड्यूल को कंटिन्यू करते हैं और आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन टेन इम्पॉर्टेंट टेक्निकल फैक्ट्स अबाउट आर कॉलम जो कि अक्सर एक सिविल इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वैल्यूएबल टेक्निकल कंटेंट सिविल इंजीनियर्स डू नॉट मिस इट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेलाइकन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए वट इज अ मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायर्ड फॉर अ आर सी सी कॉलम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई इट इज़ अ नीडेड फ्रेंड्स जो मैं फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको इलेबरेटिव तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ सो दैट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो सके। सो फ्रेंड्स मिनिमम क्लियर कवर की बात करें एक आर कॉलम के लिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड दिस इज अ फोर्टी मिलीमीटर राइट और ये टेक्निकली क्यों रिक्वायर्ड है इसके दो इंपॉर्टेंट रीजंस को समझिए फर्स्ट रीजन की बात करें दिस इज टू प्रिवेंट द कोरोजन फेनोमेना दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बात को इस तरह से आप एनालाइज कीजिए और समझिए एक आर सी सी मेंबर की स्ट्रेंथ एज वेल एज स्टेबिलिटी लार्जली एंड मेनली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट यदि किसी रीजन से स्टील में कोरोजन फेनोमेना होता है तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में घटेगा एज अ कॉन्सिक्वेंस आर सी सी मेंबर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड सो so, इस कोरोजन फेनोमेना को टेक केयर करने के लिए मिनिमम क्लियर कवर की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट सेकंड फॉर फायर सेफ्टी यदि एक बिल्डिंग में आग लगती है तो जो आरसीसी मेंबर का स्टील रेनफोर्समेंट है दैट कैन बी वलरेबल टू फायर मींस उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट विल बी रिड्यूस्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस आर सी सी की स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विल बी कॉम्प्रोमाइज फ्रेंड्स आर मेंबर के लिए जो क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है दीज आर टू इंपॉर्टेंट रीजन फर्स्ट पॉइंट के लिए एक प्रोजेक्ट की जियोटेक्निकल रिपोर्ट्स को रेफर करते हैं फ्रेंड्स जब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है तो जियोटेक्निकल सर्वे की जाती है इस जियोटेक्निकल सर्वे रिपोर्ट में देखिए क्या मेंशन करते हैं कंसल्टेंट कि जो मिट्टी है उसमें सल्फेक्ट एंड क्लोराइड की कंटेंट है एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या बता रहे हैं मिट्टी का प्रकार इट इज अ मॉडरेट पोटेंशियल फॉर कोरोजन फेनोमिना एज ए कॉन्सिक्वेंस वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर थर्ड को देखिए अ क्लियर कवर फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ अ स्टील एट लीस्ट फिफ्टी मिलीमीटर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल फाउंडेशन तो यहाँ पर तो ये फाउंडेशन की बात कर रहे हैं लेकिन जब एक आर सी सी कॉलम की बात करें फ्रेंड तो ये एक इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगा और उस इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के सल्फेट राइट क्लोराइड कंटेंट इस तरह से अवेलेबल होंगे विच कैन अगेन इन्ग्रेज टू द स्टील रेन्फोर्समेंट एंड कॉज द कोरोजन फेनोमिना सेकेंड क्वेश्चन टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या कह रहा है वाई स्टील बार्स आर प्लेस्ड नियर सरफेस ऑफ द कॉलम मीन्स अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस फ्रेंड्स इस बात को इस स्केच से समझिए यहाँ पे रेड कलर का डॉट आरसी मेंबर में स्टील बार को दिखा रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस से ये मैक्सिमम दूरी पे रखी जाती है ऐसा क्यों इसके लिए सिंपल सा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन को समझिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है बी डी क्यू बाई ट्वेल्व यदि d की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी ज़्यादा होगा एंड मोमेंट ऑफ़ इनर्सिया रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मेम्बर की स्टिफनेस ज़्यादा होगी राइट right? तो मोर स्टिफनेस मीन्स मोर मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी तो स्टील बार को न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो न्यूट्रल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अस्टील बार की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो ज़्यादा होगी एज ए कॉन्सिक्वेंस मोमेंट रेसिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होगी यही टेक्निकल ग्राउंड बनता है एक आर सी में आप देखेंगे कि स्टील बार को न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा जाता है मेंटेनिंग द क्लियर कवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ डेवलपमेंट लेंथ फॉर आर सी सी कॉलम इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग तो फ्रेंड्स आइसोलेटेड फुटिंग के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रक्चर वर्किंग ड्रॉइंग में इट इज़ डिफाइंड एज एल डी फ्रॉम टॉप फेस ऑफ द फाउंडेशन इसको ड्रॉइंग में रेफर करते हैं फ्रेंड्स आइसोलेटेड फुटिंग की इस क्रॉस सेक्शन को देखिए यहाँ पर जो मैं एल डी की बात कर रहा हूँ ये डिफाइंड की जाती है ये फाउंडेशन की जो टॉप फेस होती है यहाँ से इंक्लूडिंग द लेग लेंथ विच इज़ ए टिपिकली थ्री हंड्रेड एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ अस्टील टू बी यूज फॉर आर सी सी कॉलम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड तो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर आई एस कोड डिफाइंड करते हैं कि कम से कम जो डायमीटर ऑफ स्टील यूज़ करेंगे आर सी सी कॉलम के लिए वो बारह मिलीमीटर mm का होना चाहिए इस so, क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने का मेरा पर्पस ये है मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि जब एक व्यक्ति अपने घर को कंस्ट्रक्ट करता है और वो जब लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है तो कॉन्ट्रैक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम दस मिलीमीटर डाया को यूज करता है आर कॉलम में विच इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस प्लीज माइंड इट नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट शुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए आर सी सी कॉलम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स फोर फाइव सिक्सेंड इसके लिए आपको आई एस कोड में रेफर करना है क्लास नंबर थ्री जो कि कॉलम्स की रेनफोर्समेंट के बारे में बताता है लॉन्गिट्यूडनल रीनफोर्समेंट के लिए, लिए लिखते हैं क्या सिक्स परसेंट मैक्सिमम परसेंटेज लेकिन यहाँ पे ये भी बात को कहते हैं कि यूजली इट शुड नॉट एक्सीड फोर परसेंट सो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर आई कोड बोलते हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम के क्रॉस सेक्शन में कितना होना चाहिए पॉइंट एट परसेंट ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम सेकेंड मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो इट इज़ अ इजेंट लेकिन आपको इन दोनों फैक्ट्स को जानने के साथ साथ आपको इस बात को भी जानना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड फोर फाइव सिक्स इस बात को भी कहते हैं कि ये जो मैक्सिमम परसेंटेज है इट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू फोर परसेंट ड्यू टू हैवी इन्फोर्समेंट और ये रिक्वायरमेंट होती है बेटर कॉम्पैक्शन के लिए जब एक आर कॉलम में कॉन्क्रीटिंग की जा रही होती है तो निडिल वाइब्रेटर को चलाया जाता है फॉर बेटर कॉम्पैक्शन लेकिन यदि हैविल रिनफोर्सड रहेगा आर कॉलम तो वहाँ पे निडिल वाइब्रेटर को चलाना मुश्किल होगा जैज ए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा हनी कॉमिंग की प्रॉब्लम होगी एंड कॉलम की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ एज वेल एज स्टेबिलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड्स इस बात को भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि इट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू फोर परसेंट ओनली फ्रेंड्स रेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू तो प्रेस द बेलाइकन जय हिंद